सुंदर हलवाई हो, शबरी नहीं, जिनके जूठे बेर भी राम जी ने चख लिए। राम जी आ भी गए ना तो ये लड्डू तो खाएंगे नहीं। क्यों, कोई गलती हो गई हमसे? गलती हो गई? राम जी के भोग के लड्डुओं में बादाम गेरनो कैसे भूल गए हो? इन्होंने तो लड्डू चखे भी नहीं, फिर इनको कैसे पता कि लड्डुओं में बादाम नहीं है? अनुभव से। अब तुम दोनों ना ये खुसफुसाना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो कि हमारे कान नाक आंख तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा चलते हैं। 75 के हो गए हैं लेकिन पैर के नख तक में एक भी बीमारी नहीं है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर कुछ भी नहीं। नजर गिद्ध की और फुर्ती चीते की, और पकड़ ऐसी कि टेढ़ा दबा देना तो छुड़ा भी नहीं पाओगे। जानकी माँ, भूख लगने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में कैसे बनेंगे बादाम वाले लड्डू? तुमसे तो नहीं बनेंगे, अब हम बनाएंगे। माँ, मैं आपकी मदद के लिए ना ज्योति को। आज भी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान है कि 100 जनों को अकेले न्योत दे। दादी माँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दादी, अभी भी 1 मिनट बाकी है। आज के बाद तुम्हारे यहां से हमारे यहां राम जी के भोग के लड्डू नहीं आएंगे। जानकी माँ, एक मौका और दे दीजिए। पहली बार गलती हुई है। पहली गलती ही आखिरी हो, इसलिए सजा देना जरूरी है। माफी दे दो तो गलती आदत बन जाती है। इतने बरसों में उज्जैन शहर की 3 चीजें बिल्कुल नहीं बदली। जय महाकाल की गूंज, जानकी माँ का स्वभाव और इस मेहंदी वाले घर की पहचान, यानी मैं मेहंदी। एक समय था जब यहाँ रिश्ते मेरी खुशबू में महकते थे, हर दिन जैसे पसंद का त्योहार। पर फिर पतझड़ आ गया। आज बरसों बाद मैं फिर से उड़ चली हूँ, शिप्रा किनारे बसे उज्जैन से समंदर किनारे बसे मुंबई की ओर, रिश्तों के पतझड़ को हरा करने की उम्मीद मन में ले। और पता नहीं क्यों दिल कह रहा है ये लड़की मेरी उम्मीद को सार्थक करेगी। हाँ, यही वाली जो अपने प्यार के सपने हाथों में लगने वाली मेहंदी से महका रही है। अच्छे से लगाना नेहा, मेरे बेटे मानस के नाम की मेहंदी है। रंग गहरा खिलना चाहिए। जी। मौली, तू रो क्यों रही है? बचपन से इसी घर में रही है और शादी के बाद भी इसी घर में रहना है। तूने कभी खुशी के आंसू के बारे में नहीं सुना क्या? मॉम डैड के गुजर जाने के बाद अनाथ हो गई थी मैं। पूरा बचपन तरसती थी कि कोई हो जिसे जिसे पापा कह सकूं, माँ कह सकूं, मेरा अपना परिवार हो। जो रिश्ते हमें नसीब नहीं होते ना, उन्हें हम पूरी जिंदगी ढूंढते हैं नेहा। आज आज मुझे सब मिल रहा है। तो खुश हूं मैं। खुशी के आंसू इतने मत बहा कि मेहंदी का रंग फीका कर दे।
मुबारक हो डॉक्टर मनोज, मानस बेटे के लिए मन पसंद बहू जो मिल गई है। थैंक यू। मानस बेटा कम ना, तू भी पिक्चर्स क्लिक करवा ले, पता तो चले तेरी शादी हुई है। मम्मा प्लीज टू मिनट्स, टू मिनट्स। यही बात मुझे तुम कल बोल देती ना, मेरी शादी होने से पहले तो इतना मुश्किल नहीं होता मेरे लिए। नहीं मुश्किल है लेकिन करना तो पड़ेगा ना। मैं सब ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। मौली क्या हुआ, अपनी शादी के दिन इतना टेंशन में लग रही है? आपकी प्रिस्क्रिप्शन और शादी के कार्ड दोनों पे ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि मेरी शादी वाले दिन आप दवाई खाना भूल सकते हैं। हॉस्पिटल में तो पेशेंट से रोज पूछते हैं ना दवाई खाई कि नहीं, लेकिन अपनी दवाई रोज खाना भूल जाते हैं। ये लीजिए। डॉक्टर वाला रोब झाड़ रही है ना मुझ पे? बेटी वाला हक। सच में मौली, जो तूने आज तक मेरे लिए किया है ना, सगी बेटी भी नहीं करती। क्या अंकल, यही दोस्ती यही प्यार खड़ी करती ना परायेपन की दीवार। अपना मानती है तो फिर अंकल नहीं पापा बोलने की आदत डाल लो। जी पापा। मेरे नालायक बेटे के लिए ना तुझसे अच्छी लड़की दिया तो क्या, सर्जिकल लाइट लेकर भी जाऊंगा ना ढूंढने के लिए तो नहीं मिल सकती। चल अब जा। एक सेकेंड, ये आपके लिए। देखा, पहचान लिया ना मुन्नू ने, तुरंत जहन में घर की पुरानी यादें महक उठी। सबसे खास तो वो जब बहन की शादी थी, पूरे परिवार ने मिलकर खुशियों के पल संजोए थे। शादी तोड़ना चाहते हो मतलब? मानस मजाक कर रहे हो मेरे साथ या मजाक बना रहे हो मेरा? मुझे सच में लगा था कि मेरे और आशना के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, बट नहीं हुआ यार, इसीलिए डिसीजन ले रहा हूं मैं। मानस शादी हम दोनों की हुई, डिसीजन तुम अकेले कैसे ले सकते हो? क्योंकि ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ। अब आशना मेरी जिंदगी में वापस आ गई है ना, आई लव हर। मैं जा रहा हूं उसके पास 2-3 दिन के लिए और आगे का सब कुछ प्लान करना है। मानस इतना मतलब भी कैसे हो सकता है तू? हर मायने में तुझसे बेहतर है, वो डॉक्टर है जो तुम कभी नहीं बन सके। दिल की अच्छी है, सुंदर है, मेरे कहने पे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई वो। पापा मौली जो आपके लिए है वो तो मैं कभी हो ही नहीं सकता ना। आप चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं फेल हो गया, पर मौली बनी डॉक्टर। एक पराई लड़की सगे बेटे से भी ज्यादा सगी लगी आपको। मानस जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। प्लीज मौली तुम तो रहने दो, तुम्हें पता है कि मैं शादी करना नहीं चाहता था तुमसे, वो तो पापा ने जबरदस्ती। नहीं मानस, जबरदस्ती नहीं, तुमसे पूछा गया था, तुमने हाँ कहा था। हाँ कहा था, पर अब आशना मेरी जिंदगी में वापस आ गई तो उसके पास ही जाऊंगा ना मैं। मानस मानस प्लीज एक बार शांत दिमाग से सोच लो। मानस प्लीज प्लीज आप तो समझो ना,
मैं मौली के साथ रह के जिंदगी भर खुद को टॉर्चर नहीं कर सकता। बात खत्म। तो बात हमेशा के लिए खत्म करते हैं मानस। तुझे मौली से कोई रिश्ता नहीं रखना ना, तो मुझे भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तो ठीक, अब रही अपनी बेटी के साथ हैप्पी फैमिली बनकर। मैं अपना देख लूंगा। एक गलती की है उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, पर एक गलती की सजा मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकता। मानस याद रखना, एक बार घर छोड़ के चले जाओ तो जिंदगी भर लौटना मुश्किल हो जाता है। मनोज, एक बार जो घर छोड़ के चला जाता है ना, तो इसका लौटना मुश्किल हो जाता है। ये तुमने क्या किया मनोज? मेरे बेटे को अपना ही घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया तुमने। वो सॉरी बोल रहा था ना, तुमने भी तो अपने ही टाइम पर ऐसी ही मनमानी की थी। मानस, मानस रुक, मानस, मानस बेटा रुक जा। मनोज, मनोज, मनोज रुक जा बेटा। मनोज, मनोज, एक बार जो घर छोड़ के चला जाता है ना, तो इसका लौटना मुश्किल हो जाता है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं मनोज, घर छोड़ के मत जा। मनु बेटा, तू घर परिवार का गौरव है, इस तरह रिश्ता मत तोड़। क्या कर रहे हैं मनु भैया, रुक जाइए ना। हम तुमसे विनती कर रहे हैं बेटा, घर परिवार का गौरव। भली करना राम जी। डॉक्टर गुप्ता, रिपोर्ट्स आने के बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय करना होगा। जी। हार नहीं मानते, फाइट करेंगे और जीतेंगे। हिम्मत तो तुम्हें दिखानी पड़ेगी मौली। 8 साल की थी तुम जब तुम्हारे पेरेंट्स एक्सीडेंट में मनोज तुम्हें घर लाए, फैमिली थी, अपनी बेटी की तरह पाला, वरना लोगों की नजर में तो तुम सिर्फ एक अनाथ बन के रह जाती। अच्छी एजुकेशन थी, डॉक्टर बनाया। अब तुम्हारी बारी है मौली, मनोज के लिए कुछ करने के। मनोज के ही कहने पे शादी की ना तुमने, बस कोई नुकसान भी नहीं हुआ है तुम्हारा, तुम जैसी पहले थी वैसी ही हो। मानस फर्स्ट नाइट पे ही छोड़ के चला गया, उसने छुआ भी नहीं है तुम्हें, इसलिए प्लीज मानस के जाने को बहुत बड़ा इश्यू मत बनाओ, क्योंकि जितना बड़ा बनाओगी मनोज की रिकवरी उतनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है मम्मा, अब से पापा को मेरी होठों पर सिर्फ मुस्कान दिखेगी। पापा की रिपोर्ट। मौली, हार्ट को काफी नुकसान हुआ है मम्मा, सर्जरी करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पापा को कुछ भी नहीं होने दूंगी। आज मुझे एक बेटी और एक डॉक्टर दोनों का फर्ज निभाना है।
मनु 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 बेटा, ये चोट कैसे लगी तुझे? दोनों के कान पकड़ के पूरा घंटा घर ना घुमा दिया ना, तो हमारा नाम भी जानकी मां नहीं है? खड़े खड़े तिलचट्टे की टांगे गिन रहे थे? दो बड़े भाइयों के होते हुए मनोज को चोट कैसे लगी? भाभी माँ, आप बेकार परेशान हो रही है, जरा सा छिला है ठीक हो जाएगा। ताई हूँ, सगी माँ नहीं हूँ, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना नन्हे भैया। रिश्ता जो भी हो, पर दिल तो माँ का है ना। जरा सी खरोच भी आ जाती है ना बच्चे को, तो माँ का दिल छलनी हो जाता है। तो चिंता ना कर मनोज, देखना एकदम चकाचक ठीक हो जाओगे। मौली मैम की किस्मत ही खराब है। सच में शादी की पहली रात को ही पति छोड़कर चला गया। पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनना अलग बात होती है और पति को संभालना दूसरी बात होती है। बेचारी अनाथ थी, बड़ा मन था घर परिवार बसाने का, पर ना शादी बची ना परिवार बना। कैसे हैं डॉक्टर मनोज? जी बेटर, रिपोर्ट्स अच्छी आई है और आज फाइनली डिस्चार्ज करेंगे। गुड गुड गुड। वैसे एक गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए भी है, ठीक है? आजार हॉस्पिटल मुंबई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ के स्पेशल डॉक्टर्स के पैनल में शामिल होना ज्यादातर डॉक्टर्स का ड्रीम जॉब होता है। इस जॉब के लिए तुम्हें चूज किया गया है। आई नो डॉक्टर मौली, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है तुम कर लोगी ना, बिकॉज दिस जॉब नीड्स 200% कमिटमेंट। बिल्कुल सर। जो मेरे साथ हुआ, मुझे लगा था मैंने अपना अस्तित्व खो दिया है, पर ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है सर। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर। डॉक्टर मौली, पर एक बार अच्छी तरह से सोच लो साइन करने से पहले। एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद तुम कहीं और काम नहीं कर सकती और ना ही पीछे हट सकती हो। देयर इज नो लुकिंग बैक। और अगर किसी वजह से तुम्हारा मन बदला या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देयर विल बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तुम्हारे मेडिकल प्रैक्टिस पे भी बैन लग सकता है। 4 दिन है जॉब ज्वाइन करने में। अगर तुम इस जॉब के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो तभी साइन करना। सोच लो। सोच लिया सर, ड्रीम पूरा होने जा रहा है, पीछे नहीं हटूंगी। वेलकम टू अजार्स, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पापा, आपने इतने ऑपरेशंस किए, कभी किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया के असर में स्माइल करते हुए देखा है? मैंने देखा है। किसे? आपको। फिर इससे आपके ऊपर ये गिरी और आपने अपनी आंखें खोल दी।
मैं जानता हूं कि ये मुझ पर कहां से आकर गिरी। कहां से? मेरे बचपन से, मेरे मेहंदी वाले घर से। मेहंदी वाला घर? उज्जैन में हमारे घर की गली से जो कोई भी गुजरता, उसका सर हमारे घर के अंदर स्थापित राम दरबार के आगे अपने आप झुक जाता। घर क्या, मंदिर ही था वो, जहां हम चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह रहते थे। सबसे बड़े अजय दत्ता हनुमान भक्त, एक हाथ से पर्वत उठा लेते थे, पर बाबू कितने कि नलके में पानी बाद में आता, उनकी रुलाई पहले छूट जाती। मरी जा, तू चली जाएगी। दूसरे नंबर पे विजय, मेरा भाई कम दोस्त ज्यादा। लाश वाला पेड़ा तो मन्नू लपेटेगा, ले मन्नू खा ले। क्यों, सबसे छोटा तो मैं हूं ना। चल चल, तुझसे पहले मन्नू नहीं आता तो तू कैसे आता। जितने प्यारे मेरे अच्छू दादा और विच्छू, उतनी प्यारी मेरी भाभियां स्वरा भाभी और तन्वी भाभी, और इस सबके बीच हमारी एक लौती बहन मनीषा, जादूगर की जान तोते में और हम सब की जान मनीषा में। ओ भाई साहब, मेकअप करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शादी के नाम से ही चेहरा लाल हो रखा है इसका। ये आड़ी तेरी शक्ल मत बना, अभी तक शादी हुई नहीं है तेरी, पता चला यहीं के यहीं रह जाए। उसकी शादी पे कितने खुश थे हम, जितना बड़ा परिवार उतनी बड़ी खुशियां। हमारे इस बड़े से परिवार के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन थे? मेरे बड़े पापा, जेब में 10 रुपए लेकर आए थे वो गांव से उज्जैन। उन्होंने हिम्मत की, मेहनत की और बड़ी सी शॉप खरीद ली, अग्रवाल साड़ी एम्पोरियम, सबको बहुत प्यार करते थे और उनका सबसे पसंदीदा बेटा मैं था। पता नहीं आज कैसे होंगे। हमारा मन्नू, नन्ने एक बार तू भी झपक के देख ले। मेरे पापा को नन्ने कह के बुलाते हैं, पापा ने बड़े पापा की कोई भी बात कभी नहीं टाली ना। ये बात आपके नहीं मानेंगे भैया, नहीं देखने हमें फोटो वोटो। अरे तो मनोज की फोटो मत देख, ठीक, उसके बेटे की शादी हो रही हो है, उसे देख के तो खुश हो सकते है ना भैया। जब अपने सगों की फोटो फोन में ही देखने को मिले तो खुशी नहीं होती, दिल दुखता है। नन्ने क्यों पुराने दुखों को दिल से लगाकर बैठा है? हमारा दिल आप जितना बड़ा नहीं है भैया, कि उस धोखेबाज का किया भुला पाए। काट के उल्लू ने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद जिस जानकी माँ का पल्लू पकड़ के घूमता था उसकी ममता का मान ही रख लेता। जानकी माँ, मेरी बड़ी मम्मी, उनकी डांट से बढ़कर कोई दवा नहीं। हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है वो, जिनके दम पर पूरा घर चलता है। चाय का ठंडा शरबत बन गया है, पी लीजिए। तीसरी बार अगर गरम करने को कही ना तो गरम करके उसी फोन के डब्बे पे उंडेल दूंगी। पापा ये लेटर, पढ़ क्या लिखा है। आपको तो चिंता हो रही होगी कि आपके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया होगा, लेकिन मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब कुछ संभल गया। धरती, चांद, सूरज सब वैसे ही घूम रहे हैं जैसे आपके धोखा देने से पहले घूम रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे पढ़ मौली। मिन्नी की शादी है और धूमधाम से हो रही है, खुशी के अवसर पर सोचा आपको ये पत्रिका भेजूं,
इसे न्योता मत समझिएगा, ये आपकी जिद और घमंड की हार का प्रमाण पत्र है, आपका पराया अक्षय। जी कुछ ढूंढ रहे हैं आप? वो मिनी की शादी की मनोहर पत्रिका जो बॉम्बे भेजी थी कुरियर से, उसकी रसीद कहीं गिर गई है, अरे मिल ही नहीं रही। हे भगवान, अगर जानकी माँ के हाथ लग गई तो? लग गई। क्योंकि जानकी की नजर से कुछ नहीं बचता। अक्कू, जानकी माँ, पापा, सबकी कड़वाहट का रीजन है मेरी गलती। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो तू भुगत रही है। नहीं पापा, प्लीज आप खुद को। नहीं मौली, जब तक मैं अपनी गलती नहीं सुधारूंगा तो तेरी जिंदगी कैसे संवार पाऊंगा। मुझे अपने मेहंदी वाले घर जाना होगा, जानकी माँ के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगनी होगी। मेरी अकेले जाने की तो हिम्मत ही नहीं हो रही है, तू चलेगी ना मेरे साथ? मौली के लिए ये फैसला आसान नहीं है। ये नौकरी मौली के लिए सिर्फ अपनी लड़खड़ाती जिंदगी को संभाल पाने का मौका नहीं, उसका सपना है। पर दूसरी तरफ उज्जैन में अपने मेहंदी वाले घर जाकर परिवार से माफी मांगकर प्रायश्चित करना मनोज की जिंदगी का मकसद है। पिता समान मनोज की जिंदगी का मकसद और अपने सपने में से अब किसे पूरा करेगी मौली? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.